सच्चाई यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं राव साहब को समय दिया था। राव साहब ने कहा था कि 23 सितंबर को हम यहाँ नींव पत्थर रखवाना चाहते हैं। दो तीन प्रोग्राम और भी थे, लेकिन केवल और केवल लोकसभा लड़ना चाहता हूँ महेंद्रगढ़ भिवानी से। मुझे याद है 2001 में हमने एक बार मेवात में रैली की जी, मैं कांग्रेस में विधायक था। बाजरे का रेट था 235 रुपये क्विंटल, आज वही 2500 रुपये दे रहे हैं। जो हमारा भाईचारा बिगड़ा है, ये मानो ना मानो, लेकिन हमारा भाईचारा जो पहले था इतना मजबूत नहीं रहा। मुख्यमंत्री जनसंवाद के बाद आप विधायक और सांसद गांव में जाकर जनसंवाद कर रहे हैं। आज चौधरी धर्मवीर सिंह महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से अपने इलाके में जनसंवाद कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह की समस्याएं उनके सामने आ रही हैं और किस तरह से वो समाधान उनका करवा पा रहे हैं। धर्मवीर जी, क्या देखते हैं कि क्या मुख्य समस्याएं आपके सामने आई हैं? देखिए, आप और हम सब 2014 से पहले का भारत, 2014 से पहले का हरियाणा, 2014 से पहले का हमारा अपना क्षेत्र अगर हम देखेंगे, चाहे वो नहर क्या का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ का इशू हो, कनेक्टिविटी में रेल का हो, सड़क का हो, बड़े बड़े नेशनल हाईवे की बात हो, किसान का रेट। मुझे याद है 2001 में हमने एक बार मेवात में रैली की जी, मैं कांग्रेस में विधायक था। बाजरे का रेट था 235 रुपये क्विंटल, आज वही 2500 रुपये दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं इस 9 साल के पीरियड में बहुत बदलाव आया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की वजह से। और बहुत बड़ा अमाउंट भारत सरकार हर प्रदेश को देती है, प्रदेश की सरकार भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना के दे रही है। उदाहरण के तौर पर आप एग्रीकल्चर सेक्टर को लीजिए कि हमने हर खेत में पानी देना है। सिंचाई मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हरियाणा सरकार 90% से ज्यादा सब्सिडी टपका सिस्टम से, जिसको हम ड्रीप इरिगेशन बोलते हैं, स्प्रिंकलर सेट के माध्यम से छोटे किसान को भी, बड़ा हो छोटा हो, क्लस्टर के तौर पर हो या इंडिविजुअल हो, सबको हम वो पैसा देते हैं ताकि पानी लगे। पहले पाइपलाइन सप्लाई जो पानी की थी वो कहीं प्लास्टिक की कहीं सीमेंट के थे, टूट जाते थे, अब हर जगह लोहे की पाइपलाइन। अब जनसंवाद में क्या समस्या है सामने? जनसंवाद में जो मैं मानता हूँ छोटी समस्याएं ज्यादा है, लोकल समस्याएं। और लोकल समस्याएं में जो हमारा भाईचारा बिगड़ा है, ये मानो ना मानो, लेकिन हमारा भाईचारा जो पहले था इतना मजबूत नहीं रहा। हम अड़ोसी पड़ोसी से और परिवार से कहीं जमीन के लिए झगड़ा कर बैठे, मेरा पानी वो नहीं निकलने देता, ये तार यहाँ से कैसे आ गया, दो तीन चीजें PID और ये जो हमारा कार्ड है पीला धोड़ा काला जो भी है, ये दो प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं हैं। मैं मान के चलता हूँ उनको हम लोकल लेवल पर भी सुलझा लेते हैं। और सारी जितने भी हमें मिली हैं एप्लीकेशन किसी भी गांव की, वो सारी आज ही शाम को हमारी मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच जाए, ताकि मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पर ACS कंसर्ट डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का HOD को डायरेक्ट कर सकें कि इस समस्या का फटाफट समाधान। अच्छा, जिस तरह से अब भाजपा के खिलाफ इंडिया अलायंस का गठबंधन हो गया है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या उसके ऊपर कहना चाहेंगे? गठबंधन तो गठबंधन होता है, पार्टी जब देखो पिछली 2 टर्म से एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिली है, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी का फायदा देश को मिला कि आज दुनिया के सभी देशों में हमारी पूछ पहले से ज्यादा है, हम फैसला लेने में कामयाब हैं। और जब ये कई गठबंधन हो जाते हैं, मुझे रेल का महकमा दो, मुझे सड़क का चाहिए, मुझे कॉमर्शियल चाहिए, वो गड़बड़ा जाता है देश। मुझे नहीं लगता नाम बदलने से कोई फायदा होगा। आज भी नरेंद्र मोदी जी पहले से भी ज्यादा वोट लेके जाएंगे। इसको आप चुनौती के तौर के ऊपर देखते हैं इस अलायंस को आप? नहीं, मुझे तो कोई चुनौती नहीं आती होगी किसी को, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को ही देश दोबारा से नहीं तीसरी बार और भी ज्यादा बहुमत से सत्ता हाथ में देना चाहता है, ताकि देश 2047 तक एक विकसित देश की श्रेणी में आ सके। एम्स को लेकर क्या कहेंगे? काफी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं, इसके ऊपर राजनीति हो रही है, राजनीतिक बयान आ रहे हैं कि अब ये क्या चुनाव नजदीक आ गया, क्या लोगों को उम्मीद है कर रहे हैं कि भाई एम्स का शिलान्यास होगा, क्या भाजपा या प्रधानमंत्री या यहाँ के नेतृत्व एम्स को चालू करवा पाएगा, उसका शिलान्यास करवा पाएगा? सच्चाई यह है
कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं राव साहब को समय दिया था। राव साहब ने कहा था कि 23 सितंबर को हम यहाँ नींव पत्थर रखवाना चाहते हैं। दो तीन प्रोग्राम और भी थे, लेकिन लेकिन क्योंकि जब फाइल ऊपर गई तो उसमें पता लगा कि अभी टेंडर नहीं हुआ है। टेंडर जब तक नहीं खुलता, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि भूमि पूजन करवाने करने के लिए आ जाता हूं मैं। तब राव इंद्रजीत ने कहा कि फिर भूमि पूजन की जाए, हमें नवंबर का टाइम दे दो। ये शायद मुझे लगता है 16 नवंबर के आसपास कोई टाइम मिलेगा और स्वयं प्रधानमंत्री जी नींव रखे जाएंगे। अभी क्या स्थिति है राजनीति में? बड़ी चर्चाएं हैं, उदय भान को बयान जो आया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान का, उसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने प्रदर्शन किया है। आपके क्या राय है उनके बयान को लेकर? बयान किसी का आया हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। हमारा देश एक सभ्य देश है, हमारी भाषा बहुत अच्छी है। हम रिश्तेदार के हिसाब से हमारा बुजुर्ग उसको बुजुर्ग की निगाह से देखते हैं। लोकसभा हो या इससे बाहर जो भी आदमी गलत भाषा यूज करता है वो ठीक नहीं, उसका मैसेज नीचे अच्छा नहीं जाता। आप कांग्रेस में रहे हैं, अब कांग्रेस की गुटबाजी अब सामने आने लगी है, दो तीन खेमे अलग अलग बन गए हैं और अब इनेलो जब इंडिया गठबंधन में जुड़ने के लिए गई तो कहीं ना कहीं उसमें नजर आता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाईकमान को आंखें दिखाई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये प्रश्न किसी दूसरे का, उनसे पूछो तो ज्यादा बेहतर होगा। आप कांग्रेस में रहिए, आपका नजरिया कुछ होगा? उस वक्त कांग्रेस अलग थी, आज कांग्रेस अलग है। लगातार आप चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी आपने कहा था कि मैं चुनाव की पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे, लेकिन फिर आप चुनाव लड़े, अब की बार क्या स्थिति है और कहां से? केवल और केवल लोकसभा लड़ना चाहता हूं महेंद्रगढ़ भिवानी से, बाकी पार्टी की मर्जी। मेरा मकसद केवल लोकसभा चुनाव लड़ने का है, दूसरा किसी प्रकार का कोई चुनाव मैं नहीं लड़ना चाहता। जनसंवाद कार्यक्रम हुए, मुख्यमंत्री का यहाँ पर विवाद हुआ इस जिले के अंदर और उनकी लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है जिस तरह से बातें आ रही, क्या लगता है कि हरियाणा में जब विधानसभा के चुनाव होंगे मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर भाजपा अपनी सरकार बना पाएगी? देखो, हमने तो यही सुना था कि लोकसभा का चुनाव आएगा और लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ही होगा और पहले से ज्यादा वोट हम लेके जाएंगे। आज लोकसभा चुनाव की बात करो तो ज्यादा अच्छा है।